दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि बॉलीवुड के हमारे जितने भी सुपरस्टार हैं वो अपने बिग बजट मूवीज को सिनेमाघर में लाने के लिए किसी न किसी बड़े ओकेजन को ही चुनते हैं। चाहे हम बात करें 26 जनवरी की, चाहे हम बात करें होली की, चाहे हम बात करें 15 अगस्त की, चाहे हम बात करें दिवाली की, चाहे हम बात करें ईद की या फिर हम बात करें क्रिसमस की। तो दोस्तों इन डेज पर, मतलब कि ये जो बड़े ओकेजन है, ये बड़े त्यौहार है, इन दिनों बड़े स्टार, बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्मों को सिनेमाघर में लाते हैं और इनके फिल्मों को इन दिनों पर अच्छा खासा मुनाफा होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि कल 22 तारीख था और 22 तारीख को राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को सिनेमा घर में आना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट टल गया। अब ये फिल्म कब सिनेमा घर में आएगी, इसको लेकर संशय का माहौल बना है। लेकिन आपको बता दूं कि 2010 के बाद ये दूसरा ऐसा साल देखने को मिल रहा है जब ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। एक बार तो उन्होंने दोस्ती के नाम पर इस डेट को किसी दूसरे सुपरस्टार को दिया था और इस बार कोरोना वायरस ने उनके रास्ते को रोक लिया। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि कल राधे योर मोस्ट वांटेड भाई बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती तो भैया इस फिल्म को पहले दिन कितना कलेक्शन मिलता, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको सलमान खान की उन फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो कि ईद के मौके पर रिलीज हुई और उन फिल्मों को पहले दिन कितना कलेक्शन मिला। तो दोस्तों सलमान खान ने ईद पर अपने फिल्मों को रिलीज करने का जो सिलसिला चालू किया था वो किया था 2010 से, यानी कि 2010 में उनकी दबंग सीरीज की पहली दबंग आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया था वो बहुत ही धमाकेदार था। यानी कि भैया ये फिल्म कमाई थी बॉक्स ऑफिस पर 14,50,00,000 रुपए। उसके बाद 2011 में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ईद के दिन दी थी बॉडीगार्ड और इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 21,60,00,000 रुपए। उसके बाद आया भैया 2012 और 2012 में उन्होंने फिल्म दी एक था टाइगर और भाई इस फिल्म ने तो रिकॉर्ड ब्रेक की है, यानी कि 32,93,00,000 रुपए का बिजनेस किया था इस फिल्म ने 2012 में। और उसके बाद मैंने आपको एक बात बताया था ना कि उन्होंने अपने प्रिय मित्र के लिए एक बार ईद का दिन छोड़ा था, तो वो साल था 2013 का, यानी कि इस साल सलमान खान की फिल्म ईद के मौके पर रिलीज नहीं हुई थी और इस दिन यानी कि ईद के मौके पर फिल्म रिलीज हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस यानी कि शाहरुख खान की फिल्म और उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया था। फिर उसके बाद आया भैया 2014 और फिर से ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई किक, यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान को इतनी जबरदस्त किक मिली कि भाई इस फिल्म ने 26,40,00,000 रुपए का बिजनेस पहले दिन किया। उसके बाद आया भैया 2015 और भाई हमारे जो सलमान खान है वो बन गए बजरंगी भाईजान और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कलेक्शन किया था वो था 27,25,00,000 रुपए, यानी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने दुनिया को सेल्फी लेना सिखा दिया। उसके बाद भैया आया 2016 यानी कि भैया सुल्तान का साल था ये और इस फिल्म ने पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 36,54,00,000 रुपए। उसके बाद आया 2017, तो भैया 2017 में ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म आई थी ट्यूबलाइट और भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन जो कलेक्शन की थी वो था 21,15,00,000 रुपए। उसके बाद आया भैया 2018, तो भैया 2018 में सलमान खान की जो फिल्म आई थी वो थी रेस 3 और इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कलेक्शन किया था वो था 29,17,00,000 रुपए। और अंत में अगर हम बात करें 2019 की यानी कि पिछले साल की, तो भाई इस दिन फिल्म रिलीज हुई थी भारत और भाई इस फिल्म ने तो पहले दिन जो रिकॉर्ड बनाए थे उस दिन याद कीजिए इंडिया का मैच भी था बॉस, वर्ल्ड कप चल रहा था लेकिन लोगों ने इंडिया का मैच छोड़कर फिल्म को देखना पसंद किया, यानी कि इस फिल्म ने पहले दिन 42,30,00,000 रुपए का बिजनेस किया और इसी के साथ ही सलमान खान ने अपने प्रेम रतन धन पायो के रिकॉर्ड को ब्रेक भी कर दिया था। उम्मीद नहीं थी लोगों को कि भैया क्रिकेट मैच होने के बावजूद ये फिल्म इतना कलेक्शन करेगी, लेकिन सलमान खान का जलवा उस दिन भी बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला था। तो भाई ये वो सलमान खान की फिल्में हैं जो कि ईद के मौके पर रिलीज हुई थी और पहले दिन इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिस्पांस मिला था, यानी कि दर्शकों ने सलमान खान को भर भर कर ईदी दी थी और सलमान खान ने भी अपना ढेर सारा प्यार दर्शकों को दिया था। तो दोस्तों इस बार थोड़ी सी तो मायूसी हुई है कि ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म यानी कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज नहीं हो पाई,
लेकिन आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। जो सवाल मैंने शुरू में आपसे किया था कि भाई अगर कल राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज होती तो इस फिल्म का रिकॉर्ड कितना होता, क्या यह फिल्म पहले दिन 50 करोड़ का आंकड़ा पार करती, क्योंकि भैया इस फिल्म का बज बहुत स्ट्रांग था। यहां पे अगर हम लोग बात करें कि सलमान खान की फिल्म का बिजनेस थोड़ा सा अप डाउन होने का अगर कोई सिचुएशन बनता तो वो लक्ष्मी बम की वजह से बनता, क्योंकि लक्ष्मी बम भी ईद के मौके पर ही रिलीज होने वाली थी। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि लक्ष्मी बम के रिलीज होने के बावजूद क्या यह फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार करती, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।